स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4D बताऊंगी। ये भी आपका बुक वर्क ही है, बुक में ही करना है। इसके पहले भी मैंने एक्सरसाइज 4 का ABC बताया था, बुक वर्क ही था। ये एक्सरसाइज 4D भी आपका बुक वर्क ही है, तो वर्क ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। इस जो सारे आपके क्वेश्चन हैं, इसमें सिर्फ टेबल आपका यूज़ करना है। तो 1 2 जा 2, 3 4 आपका होता है 12, 5 9 जा 45, 7 9 जा 63, 4 7 जा 28, 6 9 जा 54, 3 6 जा 18, 2 8 जा 16, 5 3 जा 15, 10 × 4 है 400, 4 1 जा 4। कोई भी नंबर्स को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। फिर है लास्ट नहीं, के नंबर है 9 5 जा 45। फिर आपका है एक्सरसाइज 4D का लास्ट क्वेश्चन 6 7 जा 42। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 4E है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ये भी आपका बुक वर्क ही है, फाइंड द प्रोडक्ट, लेकिन मैं इसको आपको कॉपी में समझा रही हूँ। आप लोगों को बुक में ही करना है फाइंड द प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 30 × 3, 30 मतलब 0 है, 3 0 0, 0 ही आ जाएगा, 3 3 जा 9। फिर आपका है 21 × 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर थर्ड है आपका 43 × 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्वेश्चन नंबर 4 है 24 × 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। 23 × 3 है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 12 × 3 है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 20 × 4 है 400, 4 2 जा 8। 11 × 5 है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो आपका एक्सरसाइज 4D हुआ कंप्लीट, और एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका मस्ट है टेबल लर्न होना है, मतलब 2 से 10 तक टेबल पूरा आपको याद करना है अच्छे से, तभी आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, देख करके इसको बुक को कंप्लीट करके मुझे सेंड करिएगा आपके क्लास ग्रुप में।